आज हम बनाएंगे घर की ही चीजों से जो हमारे घर में अवेलेबल है उसी से एक आम से हम मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं जी गाइस। और बहुत तरीकों से ये बनने वाला आइसक्रीम बिना मिल्क मेड और बिना क्रीम के जो भी हमारे घर में सामान अवेलेबल है जीरो बजट में ये आइसक्रीम एक बार बनाएंगे ना, सच बता रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो बहुत तरीके की आइसक्रीम बनाने वाले हैं वो भी एक आम से, तो पसंद आए तो एक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ना भूले। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मैंगो और एक मैंगो में बहुत सारे पूरे परिवार के लिए हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं वो भी घर के ही सामानों से। तो मैंने आम को इस तरह से छील लिया है और बस ये काटने का बहुत इजी तरीका है क्योंकि अभी आम जो है ना बड़े टाइट टाइट से आ रहे हैं, तो इस तरह से बस छील के और इसको हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसको ग्राइंडर जार में और इसमें हम डालेंगे मीठे के लिए 3 चम्मच चीनी। जी हाँ गाइस, आम अभी थोड़ा सा खट्टे आ रहे हैं तो इसमें हम चीनी डालेंगे अपने मीठे के अनुसार और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 2 से 4 आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से आपकी जो है मैंगो आइसक्रीम जो जमने वाली ना बहुत बढ़िया जमेगी, एकदम क्रीमी क्रीमी। तो चलिए यहाँ मैंने 7 से 8 जो है मैंने आइस ले लिया है। अब हम जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए आम का टेक्सचर आप देखिए कितना येलो येलो, बहुत टेस्टी। ऐसे इसी तरह से आम रस भी बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आम को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे हमने 1 गिलास जो है दूध लिया है और 1 गिलास दूध में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। गाइस वीडियो जो है थोड़ी सी स्किप हो गई थी इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से मैंने जो है 1 गिलास दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और दूध का टेक्सचर देखिए, मैंने कोई भी क्रीम नहीं मिलाया है, कोई भी मिल्क मेड नहीं मिलाया, सिर्फ मैंने 1 गिलास दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाले हैं। बस जो है पक गया है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, तब इसके बाद जो मैंने ग्राइंड किया था मैंगो प्यूरी बनाया था वो हम इसी दूध में मिक्स कर लेंगे। तो हम बनाए हैं जो है मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम। जी हाँ गाइस, ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत बढ़िया बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। घर के ही सामानों से आप टेस्टी टेस्टी ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो हम बस यहाँ पे मैंने लिया है ये जो मैंगो वाला जो आइसक्रीम वाला जो मटका आता है कुल्फी, वो हमारे घर में अवेलेबल था तो इसमें हमने डाल दिया है। तो इसमें हम डाल देंगे जो मैंगो का मैंने जो प्यूरी बनाया था दूध के साथ, इस तरह से हम इसको डाल देंगे। उसके बाद ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल दें। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन, इसमें भी हम सारे मैंगो को डाल के जमा देंगे। इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आपके पास वो डाल सकते हो। और ये मार्केट से भी बढ़िया मैंगो आइसक्रीम आप बच्चों को रोज बना के खिलाइए, बिल्कुल भी ये केमिकल नहीं है इसमें और बच्चे रोज खाएंगे फिर भी उनको नुकसान नहीं करेगा। और देखिए जम गया है, मैंने इसको चाकू की मदद से इस तरह से कट कर दिया है। तो ये देखिए बस एक कटोरी में निकालिए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम सर्व करिए। तो देखिए मैंने घर के ही सामानों से बिना खर्चे के मैंने ये झटपट मैंगो आइसक्रीम बना दिया। तो ये देखिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो है सर्व करिए, बच्चों को भी खिलाइए और बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है, बहुत बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा है। और चलिए अब मटके वाला दिखाते हैं। तो ये देखिए क्रीमी क्रीमी बढ़िया से मैंगो आइसक्रीम कम सामानों में बनके रेडी हो गया है। और चलिए अभी मैंने इसको मोल्ड में भी जमाया था तो इसको भी हम निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रीजर से निकालने के बाद इसको थोड़ा सा पानी में रख दिए थे ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए मैंगो कुल्फी भी बनके रेडी हो गई है। गाइस यकीन नहीं मानेंगे इतना टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये मैंगो आइसक्रीम, मैंगो कुल्फी और मटका कुल्फी आपको बहुत पसंद आएगा और वो भी कम खर्चे में बनके रेडी होगा। तो चलिए ये देखिए बढ़िया और अच्छा लगे होगा रेसिपी, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।